हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के बीच सोमवार को T20 मैच खेला गया था। मैच के दौरान बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन एम्पायर पर चीख पड़े थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने शाकिब अल हसन पर मैच फी का 15% का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा शाकिब के खाते में एक डिमेरिट अंक भी जुड़ गए हैं। सितंबर 2016 में ICC के नए नियम आने के बाद शाकिब को ये दूसरी पेनल्टी दी गई है। इस तरह से उनके खाते में अब 2 डिमेरिट अंक हो चुके हैं। इसी साल मार्च में श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच के दौरान उनको 1 डिमेरिट अंक मिला था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सोमवार को हुए मैच में बांग्लादेश की पारी के दौरान 14वें ओवर में शाकिब ने अंपायर के साथ अनुचित व्यवहार किया था। अंपायर ने वाइड गेंद नहीं दी थी, जिस पर शाकिब ने अपना गुस्सा जाहिर किया था। ICC ने कहा शाकिब पहले तो अंपायर पर गुस्सा निकालते हुए चीखे और फिर बहस में शामिल हो गए। मैच के बाद शाकिब ने अपनी गलती स्वीकार की और सजा को भी स्वीकार किया। शाकिब ने 43 गेंद पर 61 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम को 8 विकेट की शर्मनाक हार से नहीं बचा सके। बांग्लादेश ने 129 रन बनाए और जवाब में वेस्टइंडीज ने 55 गेंद शेष रहते ही जीत दर्ज की और 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।